पठान फिल्म का बॉयकॉट करना कितना सही और कितना गलत, आज हम इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों। अब तो सीबीएफसी के प्रसून जोशी ने भी यह मान लिया है कि भैया फिल्म का बहिष्कार करने वाले लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कैंची चल गई है 10 से 12 सीन्स पर। ऐसे सीन जो आपत्तिजनक थे, ऐसे सीन जिससे हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी, ऐसे सीन जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं विवाद और आग की तरह फैलता। जी हाँ दोस्तों, और आज हम उन सभी सीन्स पर बात करेंगे, ऐसे कौन से 10 सीन्स थे जिसमें कैची चल गई है। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मेकर्स ने, पठान फिल्म के मेकर्स ने अपनी वीडियो को री एडिट करके एक नया वर्जन सबमिट किया था सीबीएफसी के पास, और सीबीएफसी ने इस फिल्म का दोबारा से रिव्यू किया और इसमें से 10 सीन्स और कटवाने की है मांग। उन्होंने कहा है कि भैया ये 10-12 सीन्स और हटा दो, आपकी फिल्म हो जाएगी बहुत बढ़िया, इसको फैमिली देख सकती है और फिल्म को मिल जाएगी हरी झंडी और फिल्म जो है सिनेमाघरों में रिलीज होने को हो जाएगी तैयार। सो दोस्तों हम उन सभी पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या क्या थे, और आपको भी उन सभी सीन्स के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि फिल्म का बायकॉट करने वाले लोग क्यों है सही। पठान फिल्म का जब से टीजर आया हुआ है, ट्रेलर तो आया ही नहीं था अभी तक, जब से टीजर आया हुआ उसके बाद 2 गाने रिलीज हुए हैं, जिसमें से पहला गाना बेशरम रंग और दूसरा गाना झूमे जो पठान। बेशरम रंग गाने को आज 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है और झूमे जो पठान को भी लगभग इतने ही लोगों ने देख लिया है। बेशरम रंग विवादों में और इसलिए फैल गया क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी थी, और भगवा रंग के पहनने के बाद तो मानो लोगों में आक्रोश ही पैदा हो गया, लोगों ने दीपिका पादुकोण को घेर लिया, लोगों ने फिल्म को बायकॉट और बहिष्कार करने की मांग की। साथ ही साथ दोस्तों दीपिका पादुकोण के जो फैंस लोग थे, जो इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, वो तो इस बात को बोलने लगे कि भैया भगवा रंग तो हमारे बीजेपी के और अदर पार्टियों के नेता भी पहनते हैं, और उनकी वीडियो, पुरानी वीडियो भी उठा के दिखाने लगे कि भैया इन्होंने इसमें क्या क्या कारनामे किए इस भगवा रंग को पहन के, और आपने वीडियो देखा भी होगा दोस्तों। तो समर्थन में भी कुछ लोग उतरे और कुछ लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं, मिक्स रिएक्शन है इस फिल्म के लिए। लेकिन दोस्तों अब तो इस बात को सीबीएफसी ने भी हरी झंडी दे दी कि पठान फिल्म का बहिष्कार बहुत सही था। आज हम बात करते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों सीबीएफसी ने जो सबसे पहले सीन्स में कैंची चलाई है वो है RAW, रा शब्द है, रा मतलब आपको पता ही होगा कि भारत के जो जासूस है, जो इनडायरेक्टली काम करते हैं देश हित के लिए, तो उनको रॉ एजेंट कहा जाता है, और उस रॉ के लिए वहां रॉ शब्द का यूज नहीं होगा, हमारे शब्द का प्रयोग बोला है। उसके बाद फिल्म में एक जगह लंगड़े लूले का शब्द यूज किया गया, लंगड़े लूले का जो शब्द है उसको रिप्लेस करके टूटे फूटे शब्द का यूज किया जाएगा, पीएम की जगह राष्ट्रपति और मंत्री शब्द का यूज किया जाएगा, और दोस्तों यहां पर स्कॉच शब्द की जगह ड्रिंक शब्द का यूज किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो शब्द है इसमें वो है मिसिज भारत। जी हाँ, मिसिज भारत शब्द का यूज किया गया इस फिल्म के अंदर। इसी शब्द का जो यूज है कोई लड़की मैरिड हो जाती है तब लगाती है, तो यहां पर भारत माता को मिसिज शब्द देना कितना ज्यादा गंदा और ऐसा लगता है कितना बड़ा अपमान है, ये देश के लिए अपमान है। क्या ये सीन्स एक बहाना है फिल्म को कंट्रोवर्शियल बनाने का? जानबूझ के ऐसे शब्दों का यूज करना कितना सही और कितना गलत है? क्या ये शब्द इसलिए यूज होते हैं ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिल सके, ताकि फिल्म विरोध में आ सके, फिल्म को फ्री फंड का प्रमोशन मिल सके और लोग इस फिल्म की प्रमोशंस के लिए सड़कों पे उतरे और फिल्म व्यापार कर सके? ये बॉलीवुडिया दोस्तों कभी नहीं सुधरेंगे, ये बॉलीवुडिया हमेशा अपनी फिल्मों के माध्यम से देश को और हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता को नीचे गिरा के चलते हैं। प्रसून जोशी के रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल में ही जो बेशरम रंग का गाना रिलीज हुआ था दोस्तों, उस गाने को भी लेकर भी सीबीएफसी ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। सीबीएफसी ने मेकर्स को कहा है कि भैया इस गाने में भी आपको ये सारे सीन्स हटाने हैं। बेशरम रंग का जो गाना आपने देखा उसके अंदर दीपिका पादुकोण का जो एक इंटीमेट सीन है, क्लोजअप सीन है, साइड पोज सीन है, कहीं ना कहीं न्यूडिटी को बयां कर रहे हैं, सॉफ्ट पोर्न शो हो रहा है फिल्म को देखते हुए, एडल्ट टाइप का कंटेंट परोसा जा रहा है उस गाने में, और भगवा रंग तो विवादों में घेरा हुआ है ही। तो सीबीएफसी के प्रसून जोशी ने भी उस सीन्स को हटाने की मांग की है। ये थे कुछ 10-12 सीन्स जो मैंने आपको बताया पठान फिल्म से हटने चाहिए थे और हट भी चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों गुड न्यूज ये है कि गदर 2 का फर्स्ट लुक तो आ ही गया है, और पठान और गदर 2 की बात करूं तो 2023 की जो सबसे बड़ी फिल्में आने वाली है उनमें से गदर 2 पहले नंबर पे है दोस्तों। पठान फिल्म, आदि पुरुष फिल्म और तमाम वो बॉलीवुडिया फिल्म जिसपे 500 करोड़, 600 करोड़ लगे हैं दोस्तों, सारी फिल्में एक तरफ और गदर 2 एक तरफ, बात बराबर है दोस्तों। अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप पठान फिल्म के बॉयकॉट के साथ खड़े हैं, यस और नो? और इसी तरह अपने भाई को प्यार देते रहिए। जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।